उस बच्ची का बलात्कार हुआ, उसका वीडियो बना बना करके रखा गया और जब मन तब यूज किया गया। ये डायरेक्टर का बेटा, इसको दिन दहाड़े चौक पे फांसी देनी चाहिए। हर घर महिला खड़ी हो जाए तो ये ऐसे ऐसे डायरेक्टर बायरेक्टर तेल बेचने के लिए जाए, थूकने का मन करता है तुम्हारे मुंह पर। अब बहुत अच्छा टीचर है, अब वो टीचर कुकर्मी है। सिर्फ स्टंटबाजी के अलावा के पाठक जी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बोरा बेचने के लिए एक और बहाल करा देते। वह छुट्टी कैंसिल करना, कभी कुछ करना, कभी ये करना, कि आपको भी मीडिया में बने रहने का शौक हो गया है। यहाँ तो लोग टीआरपी के लिए सब खेल खेल लेते हैं। फरमान पे फरमान, आलू प्याज बेचना है तो टीचर, आटा बेचना होगा तो टीचर, बोरा बेचना होगा तो टीचर। मैं कई ऐसे नेताओं को जानता हूँ जो सत्ता पक्ष में है, नीतीश कुमार की पार्टी में है, उनके पैसे लगे हुए हैं कई प्राइवेट स्कूल में। अगर राजा सशक्त हो तो प्रजा खुशहाल। देखिए सर, हमारा झुका हुआ है क्योंकि ये हमारे बिहार की घटना है और ऐसी घटना है जिसपे ना चाहते हुए भी बात करना पड़ रहा है, इसलिए हम कोई स्वागत भी नहीं कर रहे हैं और नमस्कार भी नहीं कर रहे हैं। मामला जब आप सुनिएगा तो दहल उठिएगा। कुछ दिन पहले श्रेया का मामला आपने देखा कि किस तरह यूपी के आजमगढ़ में एक बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ पूरे देश ने देखा, हमने उस पर चर्चा भी की और अब भी उस बेटी को इंसाफ मिलना बाकी है। लेकिन जो बिहार में हुआ है, बिहार के सहरसा में हुआ है, उससे हम सबका सर झुक गया है। जी हाँ, सहरसा में एक 16 साल की मासूम के साथ 2 साल तक एक प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर के बेटे, जिसका नाम है सम्राट विश्वास, ये आरोप है, हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप है, वो 2 साल तक उस बच्ची के साथ रेप करता रहा। बंद कमरे में सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़े रहता था और इसमें उसका साथ जो दे रही थी वहां की प्रिंसिपल अनीता मिश्रा। अब आप समझिए उस बच्ची की स्थिति कैसी है कि वो उससे जो भी मिलने के लिए जाता है, जो भी बात करने के लिए जाता है, तो उसे लगता है कि वो प्रिंसिपल वहां पे खड़ी है और उस लड़के को, हैवान को भेज रही है उसके साथ गलत करने के लिए। देखिए हमारे साथ बबीता मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, जो इस तरह के मामलों में खुलकर सामने आती हैं और इनकी आवाज प्रशासन और सरकार तक पहुंचती है, इसलिए हम इनसे बात करने के लिए बैठे हुए हैं। बबीता मिश्रा जी, पहले तो माफ कीजिएगा, मैं आज स्वागत नहीं करूंगा क्योंकि जिस तरह की घटना आई है और हमारा सर झुका हुआ है, आप क्या कहेंगी, पूरे मामले पर प्रकाश डालिए और सरकार को क्या करना चाहिए और क्यों नहीं ऐसे दरिंदियों को फांसी पर लटका देना चाहिए। देखिए पहले तो जो ये आपके देशवा के दर्शक मुझे देख रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं एक दर्द झलक रहा है स्कूल के प्रति, बच्चों के प्रति। माँ बाप बच्चे भेजते हैं स्कूल में और उसके साथ अगर बलात्कार जैसी घटनाएँ घट जाए, खास करके बेटी के साथ, तो डर तो जाहिर सी बात है। और वो भी कौन करा रही है, आपको समझ में आना चाहिए। एक महिला ही महिला का दुश्मन है, एक लेडी जो गार्ड बन जाती है, एक लेडी को बलात्कार करने के लिए उसको भेजती है, करो इसका बलात्कार और मैं बाहर खड़ी रहूंगी। अगर प्रिंसिपल ऐसा हो किसी स्कूल का, तुम उस स्कूल का क्या होगा, उस वहाँ के बच्चे का माहौल क्या होगा। वो बच्ची अगर डर रही है आज के डेट में, इन सब चीज़ों को देखती हूँ तो डर मेरे अंदर भी पनपता और आपके भी अंदर पनपना चाहिए, क्योंकि आपकी भी औलाद होगी, हमारी भी है। और बेटियाँ तो कोमल होती है, मासूम होती है, हम उनको शिक्षा देते हैं, स्कूल भेजते हैं ताकि वो वहाँ से कुछ सीख के आए। अगर उसी स्कूल, उसी मंदिर में उसके साथ घिनौना अपराध होता है, इसका मतलब ये है कि हम अपने बच्चों को भेज कहां रहे हैं, हम उस पे लगाम क्यों नहीं कसने की कोशिश कर रहे, हर पेरेंट्स उसे स्कूल पर क्यों नहीं चढ़ाई चढ़ा रहा है, क्यों नहीं न्याय की मांग कर रहा है, कैसे करे। बात यहां आ जाती है, एक मां, श्रेया का मामला आपको याद ही होगा, श्रेया के मामले में भी यही चीज थी, यही थ्योरी थी, लेकिन आज जो आप देख रहे हैं ये बच्ची बची हुई है, इसके माइंड को, इसके मस्तिष्क में इतना गहरा घाव उस डर समा गया है, उस डायरेक्टर के बेटे के द्वारा किया गया,
समझिए इस बात, और उसका साथ देने वाली भी वो उसकी प्रिंसिपल है कि कर बलात्कार इसका, और हम बाहर खड़े हैं ताकि आप पाप करें और हम उसके आर में धन कमाए। यही लोभ होगा। उस अनीता मिश्रा आप बोल रहे हैं नाम जी, सहरसा की अनीता मिश्रा का भी वही होगा कि हमें धन चाहिए, इज्जत तो उसका जा रहा है, मेरा तो नहीं जा रहा है ना, मेरे बच्चों का नहीं जा रहा है ना, किसी और का जा रहा है, तो जाहिर सी बात है। एक आरोप और भी है, ये बच्ची तो अभी सामने आई है, लेकिन आरोप और भी है और काफी गंभीर आरोप है कि सिर्फ ये बच्ची नहीं बल्कि कई ऐसी 5 से 10 साल तक की बच्ची है जिसे भेजा जाता है सम्राट विश्वास के पास, ये भी आरोप है। सम्राट विश्वास के पास अगर भेजा जाता है तो सबसे पहली बात है कि वहां के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारी बातें आप उन लोगों को अच्छी नहीं लगे, खुद जो माता पिता है वो भी नहीं सुनना पसंद करेंगे, उसको तो भाई देखना है, हमारे बच्चे के साथ थोड़ी ना हुआ है, दूसरे का बच्चा के साथ हुआ है, दूसरा लड़की के साथ हुआ है, होगा ऐसे, ये सोच होती है। अब श्रेया के मामले में आइए, आजम के घर की श्रेया के साथ भी यही हुआ था जो आज इस बच्ची के साथ जी हुआ। आपने तो मैं आपको सबसे पहले आपने एक्सपोज किया था बबीता जी, मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, सिर्फ नार्को टेस्ट हो जाए, सिर्फ एक जांच अच्छी तरीके से जांच बैठ जाए। मैं जानती हूँ कि ये मामला कहीं ना कहीं धूल गया है, क्योंकि जब बेल मिल जाती है, जब प्रक्रिया में मतलब कोर्ट जाने से पहले ही क्लीन चीट मिल जाता है ये दरिंदा दरिंदी को, मतलब आसिक मिजाज प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और अभिषेक राय, ये दोनों का ही कुछ था, और वो बच्ची श्रेया देख ली थी, जिसके कारण उसको लगा कि ये बच्ची तो मुंह खोल देगी, ये अगर बाहर मुंह खोल देती है तो फिर तो मेरा पोल खुल जाएगा, हम जो ऐस मौज कर रहे हैं वो चीज अब नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं यही नतीजा हुआ कि इस बच्ची को के बैग में वो मर्द अभिषेक क्या कर रहा था, अभिषेक राय उसके बैग में वो चीज डाल देता है, जो चीज वो खुद एडल्ट है, आप समझिए इस बात को, उसको ना चाहिए वो सब चीज, किसको चाहिए कॉन्डोम, किसको चाहिए, या फिर अगर वो पीरियड्स के दौरान है तो वो किसको आएगा, मैडम को आएगा, तो मैडम रखती होगी, मैडम बोली होगी यार तुम जाके रख दो, फिर उसके बाद में इसको जलील करेंगे, इन सब बातों का ये थ्योरी पूरा अच्छे तरीके से ये सोनम मिश्रा श्रेया मामले में पूरा गुल खिलाई है। उसके बाद इसने बकायदा एक मर्द को, जबकि मर्द छू भी नहीं सकता बच्चे, वो भी फीमेल्स के बैग को, वो तो गर्ल्स थी ना, गर्ल्स हाई स्कूल थी, अब सोचिए कि भाई जेंस उसका उसको घुमा रहा है, उसके हाथ में आपत्तिजनक सामान को लेकर के, और सीसीटीवी कैमरा ऑफ है, क्या कर रहा था सीसीटीवी कैमरा ऑफ, सीसीटीवी कैमरा इसलिए ऑफ था कि कुछ तो हो रहा था, सोनम मिश्रा और अभिषेक राय में कुछ तो चक्कर था, जो उस समय सीसीटीवी ऑन था, वो अतरंगी सतरंगी दशा में होगी, वो बच्ची देख ली होगी, कथा कथित तो देख ली होगी, तभी ना आज उस दुनिया में नहीं है, और सेम सिचुएशन इस लड़की के साथ हुआ, लेकिन ये लड़की बच गई अमित जी, कि इसको सिर्फ इसके साथ, लेकिन बच्ची कहां, सब कुछ तो खत्म हो गया है, मैं मतलब, एक अभी आप मानिए ये जिंदा लाश है लेकिन अपने माँ बाप के पास है, और ये माँ बाप लड़े अपने बच्चों के न्याय के लिए, क्या आप नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे, लेकिन साथ देने वाला कहां है, मैं तो ऐसे ऐसे फांसी दे दूं, लटका दूं, साथ देने वाला कहां है, देखिए ना, ये अगर आप और हम आवाज उठा रहे हैं, ये जो लोकल आज के जिसको लोग यूट्यूबर कहते हैं, वो लोग आवाज उठाते हैं ताकि ये आवाज बढ़े, कि 200 रुपए माइक लेके जो जाता है वो 200 रुपए कमाने ही जाता है, लेकिन इसी बहाने वो कुछ समाज का कल्याण ही करता है, वो खराब नहीं करता सर, लेकिन यहाँ तो लोग टीआरपी के लिए सब खेल खेल लेते हैं। आप देखिए कि आज माता पिता को बाहर आने की जरूरत है, जिस तरीके से बच्ची छत पर से कूद जाती है, जिस तरीके से बच्ची के हाथ में आपत्तिजनक सामान रख दिया जाता है, जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है,
कोर्ट में जाने से पहले उनको बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। इसके पीछे डायरेक्टर के का मोटा पैसा, डायरेक्टर की पावर, और कहीं ना कहीं कुछ स्कूल जो आपस में मिले रहते हैं उनका लॉबी, ये माता पिता को कमजोर कर देता है। अगर माता पिता चाह लेना अमित जी, जितने बच्चे हैं स्कूल के सबको सबक सिखा जाएगा, क्योंकि माता पिता ही अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं और उसी स्कूल के पैसे से ये लोग हेलीकॉप्टर में घूमे, हवाई जहाज में घूमे, अय्याशी करे या किसी बच्चे की, या किसी वही बच्ची, क्योंकि बाहर में तो पैसा लगेगा, तो फ्री में तो माता पिता तो बच्चा को पढ़ाने भेजता है ना। देख लीजिए ये डायरेक्टर का बेटा, इसको दिन दहाड़े चौक पे फांसी देनी चाहिए। ऐसे कानून लाना चाहिए कि अगर कोई अपराध करे, चाहे वो बिहार में हो, यूपी में हो, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में हो, उसको डायरेक्ट फांसी दे। संसद भवन में बातें सिर्फ भ्रष्टाचार से होती है। नहीं, संसद भवन में तो नाम क्या होगा, हिंदू मुस्लिम सनातनी, मुस्लिम, यही सब होता है। और जहां देख लेता, अच्छा इस पे कंट्रोवर्सी है, अच्छा तो भाई चावल आटा दाल खत्म। अभी इस कंट्रोवर्सी को आप सब चैनल को बता, लेते रहिए आप लोग, मजा लेते रहिए और लोग भूल जाए, यही हुआ। और हमारे और आप स्कूल के माध्यम से, स्कूल वाले लोग जितना गुंडागर्दी करते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले, मैं सारे प्राइवेट स्कूल की बात नहीं करती, लेकिन 80% प्राइवेट स्कूल है जो माफिया के रूप में काम करते हैं, जिसके बच्चे की गुंडागर्दी आप देख रहे होंगे कि इस लड़की के साथ, प्रिंसिपल के साथ बदतमीज लड़की औरत थूकने का मन करता है तुम्हारे मुंह पर। तुम्हारे घर में मां बहन नहीं थी क्या? तुम बाहर में गेटमैन बनकर के एक बच्ची का बलात्कार करते हुए सुन रही थी, वो चीखती होगी, चिल्लाती होगी, अपने मां बाप को नहीं बता पाती होगी कि उसके साथ हो क्या रहा, धमकी देता होगा कि भाई तुम्हारे मां बाप को मरवा देंगे, उठवा देंगे, मेरा तो चलती है। सहरसा जैसे इलाका में, सहरसा क्या है, एक जिला, इस बच्ची का वीडियो बनाया गया ताकि ये बच्ची अपना मुंह ना खोल सके और यही हुआ, ये बच्ची सदमे में चली गई। आज आप देख रहे होंगे कि ये बच्ची जब जाती है तो उसको लगता है कि किसी को भेज दी हो, उस लड़के को भेजी है उसके शरीर को नोचने के लिए, उसके बालों को खींचने के लिए। सोचिए कि वो 2 साल से कितनी प्रताड़ना झेल रही होगी, बलात्कार कर रहा था वो शख्स और वो दरिंद, वो निहायती बच्चलन महिला गेट में खड़ी थी। अगर उसके साथ ऐसा होता तो, और गलती किसकी है आप बताइए, गलती किसकी है? सबसे ज्यादा अगर कोई दोषी है तो निश्चित रूप से वो अनीता मिश्रा और सम्राट विश्वास, और पहले अनीता मिश्रा, क्योंकि खुद वो एक महिला है। एक महिला दूसरे महिलाओं का सम्मान नहीं करती, एक महिला दूसरी महिलाओं का इज्जत नहीं करती। भगवान ना करे अगर उसके साथ या उसके परिवार में उसके बहन या उसकी बेटी अगर होगी, उसके साथ ये घटना घटे, तब अनीता मिश्रा को कैसा लगा होगा? सारे पेरेंट्स को एक साथ इकट्ठा होकर लड़ना होगा, अपनी ताकत दिखानी होगी। जिस दिन पेरेंट्स अपनी ताकत दिखा देंगे तो ये तो रोड पे आ जाएंगे दुकान लगाकर। चाय का दुकान आपने देखा है, चाय के दुकान की तरह आ जाएंगे, कोई छोटा छोटा चाय का दुकान खोलेगा तो ये स्थिति हो जाएगी ये प्राइवेट स्कूल की, और इनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये वैल्यू कौन देता है? हम और आप देते हैं। ये वैल्यू देता है, सर मैडम मेरे बच्चा अच्छे से पढ़ा दीजिएगा, आपके स्कूल में है, आप बहुत अच्छा टीचर है, आप वो टीचर कुकर्मी है कि उस बच्ची के साथ क्या कर रहा है हमको पता ही नहीं, बच्चा डर गया, माँ बाप को बताता ही नहीं। ये सवाल, एक और सवाल हमारा के पाठक से भी है, इसलिए क्योंकि सिर्फ स्टंटबाजी के अलावा के पाठक जी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, चश्मा लगा के बस छुट्टी कैंसिल करना, कभी कुछ करना, कभी ये करना, कि आपको भी मीडिया में बने रहने का शौक हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? क्या बात करते हैं, कैसे कर लेंगे? पाठक जी का चलता है क्या प्राइवेट स्कूल में? सही सही बोलिए तो आप, लगता प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट वालों में कितनी माफियाओं का पैसा होगा भाई, किसका किसका पैसा होगा वो आप और हम और किसी से छुपा है क्या? किसी से नहीं छुपा हम, मैं तो आप माफियाओं की बात कर रहे हैं, मैं कई ऐसे नेताओं को जानता हूं जो सत्ता पक्ष में है, नीतीश कुमार की पार्टी में है, उनके पैसे लगे हुए हैं कई प्राइवेट स्कूल में, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में, मैं नाम नहीं अभी खोलना चाहूंगा। है पैसा है, चलिए उनके पास पैसा तो लगा दिया, तो भाई उनका रुतबा तो है ना,
तो इसमें पाठक जी क्या करेंगे? पाठक जी सरकारी स्कूल में डंटा देंगे, सरकारी स्कूल में टीचर को बोलेंगे कि बोरा बेचो, बोरा बेच के तुम स्कूल चलाओ, टूट रहा है छत, इस पे काम नहीं करेंगे कि भाई छत टूट रहा है या बच्चे की बच्चे जो टेबल मेज है वो खराब हो रहा है तो इसको बदलो, सीसीटीवी कैमरा लगाओ, कोई अगर समय पे नहीं आ रहा है तो उसकी वॉचिंग होनी चाहिए, उसके लिए एक और बहाल कराइए, आप बोरा बेचने के लिए एक और बहाल करा देते। इन सब में नहीं, उनको तो सिर्फ फरमान पे फरमान, आलू प्याज बेचना है तो टीचर, आटा बेचना होगा तो टीचर, बोरा बेचना होगा तो टीचर, मतलब टीचर के ऊपर जितनी जिम्मेवारियां लाद दो तो वो ये इसलिए करेंगे क्योंकि वो सरकारी टीचर है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में उनकी हिम्मत नहीं है। अगर है तो मैं अभी आपसे कहती हूं अमित जी कि एक बार प्राइवेट स्कूल पे तिरछी नजर करके देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप सच में, सबसे हैरानी है कि ना इस पे कोई खबर आई है ठीक से सामने, ना किसी नेशनल चैनल पे, ना किसी रीजनल चैनल पे, ना अभी तक ये पता चल पाया है कि इन लोगों पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, और मैं चाहूंगी, मैं बहुत जल्द सहरसा की ओर जाऊंगी और मैं इस स्कूल की रिपोर्टिंग आप तेजस्वा चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगी कि यही वो स्कूल है जहां 2 साल उस बच्ची का बलात्कार हुआ, उसका वीडियो बना बना करके रखा गया और जब मन तब यूज किया गया, और वो उसका साथ, उस कुकर्म में साथ देने वाली कौन? एक खुद महिला, एक खुद औरत, एक खुद लड़की, जिसने एक लड़की को भेजा, बलात्कार करवाया क्योंकि उसको पैसे की चाहत थी। डायरेक्टर से, उसके बेटे से उसका कोई संबंध होगा तो उसने बलक भेज, इसका मजा ले और हम दरवाजे के ऊपर खड़े रहेंगे। तो ऐसी औरत का को क्या करे, ऐसी औरत का क्या करना चाहिए आप बताइए, क्या करना चाहिए? या तो उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए, नेताओं की बच्ची है जो पुलिस प्रशासन में, उनकी भी बच्ची है, पाठक जी की भी बच्ची होगी। अगर किसी बड़े लोगों के बच्चियों के साथ ऐसा होता तो अभी आप देखते कि क्या होता, लेकिन ये गरीब होगी, इसकी किस्मत खराब होगी, ये गरीब घर में पैदा ली है इसीलिए इसका बलात्कार होता रहा। किसके थ्रू? तो डायरेक्टर, पैसे वाले डायरेक्टर का बेटा ने इसके शरीर को नोचा और इसको इस लाइक करा दिया। मैं अभी भी कहती हूँ पेरेंट्स से कि उठिए, मसाल जलाइए अपने आप में कि बेटियों के साथ हो रहे अपराध पर हम भी खड़े होंगे। हर घर महिला खड़ी हो जाए तो ये ऐसे ऐसे डायरेक्टर बायरेक्टर तेल बेचने के लिए जाए, कल से आपके दरवाजे पर जी हजूरी करेंगे और ये इनका दुकान ताला लगाने का काम सिर्फ आप करेंगे। और मैं तो नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी आप कहां हैं? अरे इंडिया गठबंधन बनेगा, बन गया है, जीत या हार होती रहेगी, लेकिन सर ध्यान दीजिए, आपने तो बिहार में छात्राओं को इतना आगे बढ़ाया है, पोशाक योजना, साइकिल योजना, आपकी तारीफ हमने पत्रकारिता के क्षेत्र में कई बार की है, लेकिन अब जो हो रहा है वो भी साहब आप ही के राज में हो रहा है, आप ही मुख्यमंत्री हैं, इसे नहीं भूलिए, गृह विभाग आप ही के अंडर आता है, और अब भी अगर इस स्कूल में ताला नहीं लगा है, वो दरिंदे सलाखों के पीछे नहीं है, उन पर फास्ट ट्रैक के तहत कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, तो सर ये आप पे सवाल है और गंभीर सवाल है, और हम तो करेंगे क्योंकि हम देखिए सच के लिए खड़े होते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के, चाहे वो हमारा चैनल हो, चाहे हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी हो या मैं खुद हूं, हम कड़वे सवाल करेंगे सर। अगर राजा सशक्त हो तो प्रजा खुशहाल होती है। जब राजा ही अपनी बच्चियों का ख्याल ना रखे, खास करके बच्चियों का, मैं पुरुष की बात नहीं करती, बच्चियां कमजोर होती है, लड़कियां देखती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या तो बेटी लुटवाओ, तो मैं बस यही कहेगी अपना राज देख लीजिए नीतीश बाबू, अपना राज एक बार देख लीजिए कि आपकी जनता स्कूल का हाल क्या है, प्राइवेट स्कूल का जो आज माफियागिरी हो रहा है जिसमें बच्चियां पीसी जा रही हैं, उन पे भी लगाम एक बार लगाइए। जिस दिन आपने लगाम लगा दी तो हम पेरेंट्स जो देख रहे वो पेरेंट्स आपको ऐसे ही वोट दे देंगे। जी बिल्कुल, ऐसे ही वोट दे देंगे आपको, इंडिया और गठबंधन की जरूरत नहीं होगी, आप राजा है राजा ही रहिएगा, पर प्रजा को रुलाइए मत। आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगा और ये विश्वास दिलाना चाहूंगा, जैसा कि हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी ने भी कहा कि वो खुद सहरसा की ओर रुख करेंगी
और अब लगातार देशवा न्यूज इसको लेकर मुहिम चलाएगा और लड़ाई लड़ेगा उस बच्ची के लिए और उस जैसी कई बच्ची के लिए, जब तक ये दरिंदे सलाखों के पीछे न हो और इस स्कूल पर बुलडोजर न चले। बिल्कुल, मैं सहरसा जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ मैं उस स्कूल का चेहरा और उस डायरेक्टर के बेटे का चेहरा आप तक जरूर लेके आऊंगी। चलिए इस चर्चा में इतना ही, उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द न्याय मिले और कृपा करके इस खबर को हमारे लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए शेयर कीजिएगा ताकि उस बच्ची को इंसाफ मिल सके और फिर आगे से कोई ऐसी बच्ची, चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो चाहे किसी की भी हो, वो इस तरह की दरिंदगी का शिकार ना हो सके। डर ना रहे, बच्ची को सेव करिए, हम पेरेंट्स हैं, हम आपसे भीख मांगते हैं, अपने बच्चों को संभालिए, अपने बच्चों के साथ साथ जो भी बच्चे हैं वो भी आप ही के बच्चे हैं, सबके लिए सोचिए और आइए एक हाथ बढ़ाइए ताकि हम मजबूती से हम सब बच्चियों को बचा पाएं उन दरिंदों से, जो दरिंदा आज खुले आम माफिया के तौर पे स्कूल खोल करके बैठा है और बच्चियों का बलात्कार कर रहा है और किसी न किसी रूप में, जैसे कि श्रेया, मैं आज भी कहती हूँ कि योगी जी से कि श्रेया मामले में श्रेया को इंसाफ दिलवाइए और जो लोग बाहर घूम रहे हैं उसको सलाखों के पीछे कीजिए ताकि हर फैमिली, हर माँ बाप अपने बच्चों को जब स्कूल भेजे तो ये निश्चिंत रहे कि उसके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ना कि किसी का शिकार हो रहे हैं। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।